अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हो? अब बोलो अब्दुल्ला अली। सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, N15 इज 45 वाला, ये सर सॉल्व नहीं हो रहा था। n मल्टीप्लाई बाय मैंने कहा तो 15 मुश्किल हो रहा है। n मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45। जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो? जी सर, ये तो बहुत इजी सवाल है। इसमें दोबारा क्या करवा दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले तो मुझे ये मोस्ट इजीएस्ट। हाँ बोलो। इसमें सर एलसीएम लेना है, एचसीएफ ले रहे हैं। इसमें आप दो, आपने दोनों में से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि एलसीएम आपके पास पहले से निकला हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 45 इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 15। सवाल में क्या लिखा हुआ है जरा गौर से पढ़ो। मैं कल भी तुम लोगों को कह रहा था कि बेटा सवाल गौर से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नाम कवि कुमार आजाद है। हाँ बेटा, आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। बेटा क्वेश्चन नजर आ रहा है? अब्दुल्ला अली गेस का नजर आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो तो सही। Find the smallest value of n such that the LCM of n and 15 is 45. Simple. LCM तो तुम्हारे पास given है. And how can we find the LCM? We can find the LCM by multiplying the two values. So n multiplied by 15 equals to 45. ये बात समझ में आई? सवाल में तुम्हारे पास n की तरह क्या लिखना है? n की वैल्यू ही तो तुमने फाइंड आउट करनी है। n इज द वैल्यू हुज वैल्यू यू नीड टू फाइंड आउट। जब तुम n मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45 करोगे, 15 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ n इक्वल्स टू 3। n इज द वैल्यू व्हिच यू नीड टू फाइंड। n इज द वैल्यू, सवाल गौर से पढ़ो, सवाल गौर से पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, आपने n की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n बेसिकली एक वेरिएबल है, समझ आई ये चीज? अब्दुल्ला अली समझ आई बेटा ये चीज? अब्दुल्ला अली आई एम टॉकिंग टू यू यार, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। यस सर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर, आई एम आस्किंग यू दैट। मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैंने आस्क यू टू टॉक, यू डोंट टॉक। सो आई एम आस्किंग, डिड यू गेट द पॉइंट दैट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? आपने n की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। सलाम वालेकुम सर। इफ द एलसीएम ऑफ n n 15, n इज एनी वेरिएबल अननोन वैल्यू व्हिच वी नीड टू फाइंड, n n 15, द एलसीएम ऑफ n n 15 इज 45. So, you just need to multiply n multiplied by 15 equal. I solved that question yesterday, just for your ease. ये देखो, ये रहा question number 6. अब्दुल्ला अली अभी समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो LCM तो आपको पता है, आपने वो फैक्टर्स मालूम करने हैं जिन फैक्टर्स की मदद से आपने n को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास n की वैल्यू। जी जनाब बोलिए। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 1B में कोई प्रॉब्लम, वरना हम आगे प्रोसीड करते हैं। व्हाई यू गाइस डोंट रिस्पॉन्ड ऑन टाइम? रेहान, अब्दुल्ला, तजम्मुल, फसी, हमजा अहमद, बहाज, उमर फैसल, सुहेब, साकिब एंड तलाल शाहिद, कैन यू हियर मी? यस सर। सो व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड गाइस? सेम अगेन साइलेंस।
When I Sir, ask you to keep quiet, you don't. And when I'm asking you to talk, you stay quiet. Why is that, bhai? मतलब जो बोला जाएगा उसका उल्टा करोगे. I ask you that is there any confusion in exercise 1B till question number 8? There is a complete silence. No, sir. So what is the time taken? What is the time taken of saying no? कितना टाइम लगेगा नो कहने में यार? Just say yes or no. Okay guys, फिर एक गेम खेल कर खेलते हैं आज, ठीक है? क्योंकि तुम लोग तो नहीं बोलने वाले. अब मैं जिसका नाम लूंगा रैंडमली और जिसने यस नहीं बोला मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा. सिंपल एंड द टॉपिक इज ओवर नाउ. जिसका मैं नाम लूंगा अगर उसने दो सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया आई विल नॉट मार्क हिज अटेंडेंस. ठीक है, चलिए. नाउ कीप अटेंटिव. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 2, चैप्टर नंबर 2. In chapter number 2, we are going to discuss about the integers, numbers and their application, ke how can we use them. Okay? So, what is negative number? There is a slight difference between negative numbers and negative integers. So, let me tell you what is basically all these numbers are. Can you see the screen of OneNote? Can all of you see the screen of OneNote? What is integers? Any one of you. If someone doesn't know the answer, he can say no sir, we can't. No sir, we can't. Very good. You must देखो एक बात आज मेरा एक सबक छोटा सा याद कर लो. Whenever you go to interview, whenever you are asked a question, if you don't know the answer, just say I don't know. Because if you try to give the answer, definitely you will give wrong answer. And if you will give wrong answer, it means even you don't know about the question, you also don't know about the answer. अगर मैं आपसे एक question करता हूँ और आपको उसका जवाब नहीं आता और आप उसका गलत जवाब देते हो तो यहाँ दो गलत जवाब देते हो आप. क्यों? एक तो इसका मतलब आपको मैंने जो question पूछा उसका जवाब भी नहीं आता और दूसरा आपने जो जवाब दिया वो उस सवाल का जवाब नहीं था, वो किसी और सवाल का जवाब था. तो इसका मतलब आपको दो सवालों के जवाब नहीं आते. इससे बेहतर है आप नो कहकर अपनी जान बचाएं और एक जवाब गलत कहें. तो नो कहना सीखिए. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, say no. If you don't know something, say no. And in professional life, you must know, you must learn how to say no. So, what is the difference between integer and number? Can anyone of you can tell me? No, sir. अच्छा, what is numbers? 1, 2, 3, 4. Not only 1, 2, 3, 4. A number can be whole number like 1, 2, 3, 4. A number can be decimal 1.1, 2.3, 4.5. Okay. A number can be fractional 1/2, 3/4, 5/6. Okay. And a number can be negative, like -1, -2, -3. Similarly, -1.1, -1.2, -6.5. Similarly, -1/2, -5/6, and so on. So number are anything, any digit can be number, either positive or negative. It can be a whole number, it can be a decimal number, it can be a fractional number, it can be a positive number, it can be a negative number. But when we comes to integer, integer are positive and negative whole numbers only. Integer sirf whole numbers hote hain, aur kaun se whole number? जो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. इट मींस 1
can be integer, 2 can be integer, 3 can be integer, minus 1 can be integer, minus 2 can be integer, minus 3 can be integer, but minus 4.5 can never be integer because 4.5 is not a whole number. Got it? Yes, sir. So, yes, any sir. Number, any whole number, any prime number, any decimal number, any fraction number, any number, either positive or negative, any digit is numbers. But when we come into whole numbers, so positive and negative whole numbers are known as integer. Positive whole number are known as positive integers. Negative whole numbers are negative integers. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Is there any confusion? Yes, sir. No, sir. Very good. I like that type of class. I like that type of class. Yeah, enthusiasm should be shown. Yes, we are willing to learn something new. I know that many of you have not done their breakfast, but still, we have enough energy to perform. Yes, sir. Very good. Sir, इसके question question नहीं क्या? मेरा बच्चा देखो मेरा एक काम करने का तरीका है. तुम्हारा कोई भाई या cousin वगैरह senior classes में पढ़ता है 9 में 10 में या 11 में? No, sir. बेटा मेरा एक तरीका होता है पहले मैं चीज समझाता हूँ क्योंकि मेरा मुझे चीज समझानी है क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना क्वेश्चन सॉल्व तो तुम लोग खुद भी कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व तो तुम घर में अम्मा अब्बा से भी कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व तो तुम बहन भाई के साथ बैठकर भी कर लोगे कुछ बच्चे ट्यूटर भी रखकर कर लोगे लेकिन बिना ट्यूटर के कैसे काम करोगे उसके लिए तुम्हें पहले चीज को समझना जरूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट इज नंबर व्हाट इज इंटीजर एंड दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन कराने से पहले उस टॉपिक का पूरा ओवरव्यू देता हूँ जब ओवरव्यू दे दूंगा तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लोगे आई बिलीव क्योंकि अगर सिर्फ होमवर्क ही करना है सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो वो तो कोई भी किसी की भी हेल्प से कर सकता है ठीक है यस सर चलो अब तुम्हारे सामने तुम्हारी डिमांड पे वी हैव अ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2a एंड एक्सरसाइज 2a देयर आर सर्टेन नंबर्स -0.3 1/5 0 -5/7 4.33 -12 1001 minus 1 whole number 1/2 -2017 and you need to identify okay, from the given number list the number that are you need to list identify the numbers that are positive negative positive integers negative integer positive numbers and negative numbers so write your answers in chat box Starting from Abdullah Tajammul, you need to write positive integers only. Abdullah Tajammul, you need to write positive integers only. Start. अरे यार अपना loud speaker बंद करो बेटा तुम भी disturb होगे इसकी वजह से. Wait बेटा मैं जरा पानी पीऊँ. बेटा किसी ने मुझे आवाज दी थी. जी सर. Yes, I was drinking water. That's why I muted the mic. बोलिए. मैंने क्या करना होगा आपने करना यह है कि इन नंबर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स आइडेंटिफाई करने पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव होल नंबर्स सेलेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव होल नंबर्स दुनिया में जितने भी होल नंबर है पॉजिटिव दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स सो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन यू सी इन द लिस्ट अब्दुल्ला तजम्मुल पॉजिटिव इंटीजर्स मालूम कर रहे हैं रेहान नेगेटिव इंटीजर्स मालूम करेंगे तलाल शाहिद पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करेंगे एंड अब्दुल्ला अली विल फाइंड आउट द नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट रेहान नेगेटिव इंटीजर्स तलाल पॉजिटिव नंबर्स अब्दुल्ला अली नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट बेटा जल्दी से सर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं रेहान बात कर रहे हो यस जी सर ओके सर Thank you.
Why, Talal Shahid? Talal, unmute your mic. If you don't know, that's not the point of shame. अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेजिटेट हो या शाय फील हो. मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, तो क्या मैं शर्मिंदा होकर घूमना शुरू कर दूं? सो बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव माय फ्रेंड. इफ यू डोंट नो एनीथिंग, वी आर हियर टू लर्न यू समथिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं है तलाल शाहिद, अनम्यूट योर माइक. हां अनम्यूट है, तो बात करो. ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, इट डजंट मीन कि आपको कभी कुछ नहीं आता. यू मस्ट नो समथिंग बिकॉज वी आर हियर टू मेक टू लर्न यू. ठीक है, यस सर. आपका सवाल क्या था पहले? तो मैंने आपको क्या सवाल दिया था ये बताइए. पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड का. पॉजिटिव इंटीजर्स अब्दुल्ला तजम्मुल ने फाइंड आउट करने. सर मेरे को एक्सरसाइज 1 में से मिल गए. एक मिनट रेहान, चैट बॉक्स में भेजो. हां तलाल, मैंने तुम्हें सवाल क्या दिया था पहले? सवाल था हां पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स, आई टोल्ड यू एवरी डिजिट आइदर होल नंबर, आइदर डेसिमल वैल्यू, आइदर फ्रैक्शनल वैल्यू आर नंबर्स. हाँ, जब वो होल नंबर हो जाते हैं तो पॉजिटिव होल नंबर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाते हैं. अब ये -0.3, दिस पर्टिकुलर -0.3 इज बेसिकली अ नंबर बिकॉज इट इज नॉट अ होल नंबर, बट दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. बट दिस 1/5 इज अ पॉजिटिव नंबर. थोड़ी सी zero is also a number because zero doesn't have any sign. Zero can never be negative, zero can never be positive. So zero is also a number. Similarly, 4.33 is positive number. ठीक है? Yes sir. 4 is an integer. ठीक है? So every digit, either whole number, either decimal, either fraction. Fraction पता है ना किसे कहते हैं? 1/5 या 1/2 की फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है. जी सर. Are numbers. ठीक है? But when we discuss about the integer and numbers, so integers are whole number, either positive or negative. Integer positive or negative whole numbers होते हैं. Whole number मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो decimal ना हो, जो fractions ना हो. तो इस जगह पर whole numbers के अलावा जितने भी positive numbers मौजूद हैं, जो के fraction में हो या decimal में हो, they will be considered as positive numbers. Got it? Yes, sir. Next time, if you don't know anything, you can ask confidently and bravely. My student can never be covered. Okay, sir. Rehan, you need to find the negative integers. Beta, -0.3 is not a whole number, so it can never be negative integer. -12 is correct answer. -1 is correct answer. -2017 is correct answer, but the rest of your answer are basically not whole numbers, so they can never be considered as negative integers. Negative integers or positive integers must be whole number. Got it, Rehan? 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 Yes, sir. Negative integers or basically negative whole numbers. -0.3 is not a whole number. -5/7 is not a whole number. So they are not negative integers. Got it? Okay, sir. Is there any confusion to anyone? No, sir. Integers and numbers? Or shall we move on? Move on, sir. Very good. Okay guys, next question. Fill in the blanks now. How many of you are using mobile in order to take the class? Sir, I am using. I'm me. Okay. I am using. Okay. Are you standing on a floor? Are you standing on a floor or on a carpet? Sir, on carpet. Acha, on carpet. Theek hai, theek hai. अब वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? अब कंसीडर, मैं तो बैठा हूं सोफे पे. कोई बात नहीं, पहले सुन लो फिर खड़े हो जाना. ठीक है, ठीक है. वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? कंसीडर इट एज जीरो पोजीशन.
where are you standing right now, consider it as zero position. ठीक है जी सर. जहां आप इस वक्त खड़े हुए हो उस जगह को जीरो कंसीडर कर लो, जहां आप इस वक्त खड़े हुए हो या सब बैठे हुए हो. ठीक है, कैसे करें सब? आप इस जगह किसी ना किसी जगह बैठे हुए होगे या खड़े हुए होगे, दोनों में से कोई एक काम लास्ट, या चलो लेटे हुए होगे, तीनों में से कोई एक काम कर रहे होगे ना, चौथी तो कोई हवा में लटक तो नहीं सकते. ठीक है, सो वेयर आर यू स्टैंडिंग, लाइंग और सिटिंग, कंसीडर दैट पॉइंट इज जीरो, वो जगह इस वक्त जीरो है. ठीक है जी सर. इफ यू आर मूविंग अहेड, इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो या आप सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो, इट मींस यू आर इंक्रीजिंग, इट मींस यू आर इंक्रीजिंग, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है. गॉट इट? यस सर. एंड इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड, आप पीछे की तरफ जा रहे हो या उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, इन दैट सिनेरियो योर पोजीशन इज डिक्रीजिंग. ठीक है, ओके सर. रिपीट इट अगेन, कंसिडर द पोजिशन वेयर यू आर स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग राइट नाउ एज जीरो, जहां आप इस वक्त बैठे लेटे या खड़े में है वो जगह जीरो है. If you are moving forward or right hand side, अगर आप सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हो या सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो, your value would be increasing, आपकी value positively increase हो रही है, बढ़ रही है. If you are moving backward or left hand side, अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो या उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, your value will be decreasing, आपकी value decrease हो रही है. ठीक है, अब जरा question number 2 समझो. If minus 6 represent 6 meter below sea level, minus 6 का मतलब आप जिस जगह इस वक्त खड़े हुए हो वहां से 6 मीटर नीचे है, तो प्लस 30 का मतलब क्या होना चाहिए? आप फॉरवर्ड की तरह गए हो. अगर मैं देखो पहली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन पढ़ना जरूरी है. आई आस्क यू दैट इफ 6 माइनस 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल, सो प्लस 30, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज, नाम बताओ पहले अपना. अब्दुल्ला अली, तुम इस वक्त जिस पोजीशन पर खड़े हुए हो उस जगह को जीरो कंसीडर कर. ठीक है, क्या मतलब? मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ मैंने उसको जीरो कंसीडर कर लिया. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन जीरो. ये तो समझ में आ गया बेटा? तुम इस वक्त नहीं, सब समझ नहीं आ रहा. तुम इस वक्त लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, क्या कर रहे हो? तो मैं सब बैठा हुआ हूँ. तो तुम समझ लो कि तुम इस वक्त एक जीरो पर बैठे हो. तो इस वक्त ये कंसीडर कर लो कि राइट नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ जीरो. ठीक है, ओके सर. अब इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम आगे की तरफ जाते हो या सीधे हाथ की तरफ जाते हो या ऊपर की तरफ जाते हो, तो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग, आपकी वैल्यू बढ़ रही है. जब आप सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाते हो तो आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हो. जी सर. और जब आप नीचे की तरफ आते हो या उल्टे हाथ की तरफ जाते हो या बैक साइड पे जाते हो, रिवर्स हैंड पर जाते हो, पीछे की तरफ जाते हो, तो बेसिकली यू आर डिक्रीजिंग. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले तो? यस सर. जी सर. अब आते हैं टॉपिक की तरफ. अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि माइनस 6 का मतलब यू आर 6 मीटर बिलो योर पोजीशन, आप एक सीढ़ी पर खड़े हैं. लेट अस कंसीडर के जनाब राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयर, मैं एक सीढ़ी पर खड़ा हुआ हूँ और उस सीढ़ी को मैंने जीरो कंसीडर कर लिया. ये बात समझ में आई अब्दुल्ला अली? यस सर. और अगर मैं माइनस 6 का मतलब है मैं 6 सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, तो प्लस 30 का मतलब क्या होगा? मतलब क्या 30 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है. वेरी गुड. तो अगर माइनस 6 का मतलब 6 मीटर बिलो सी लेवल है, मतलब माइनस 6 का मतलब आप सी लेवल से 6 मीटर नीचे की तरफ है, तो प्लस 30 का मतलब क्या होगा अब्दुल्ला? मतलब सर आप 30 सीढ़ियां ऊपर चले गए. अब मैं मीटर्स की बात कर रहा हूँ, अब मैं मीटर्स की बात कर रहा हूँ, सीढ़ियों से समझ में आ गया. अब सीढ़ियों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो अगर माइनस 6 का मतलब तुम 6 मीटर नीचे की तरफ हो, तो प्लस 30 का मतलब क्या होगा? जी 30 मीटर ऊपर ही जाना है. 30 मीटर ऊपर. अब्दुल्ला अली अब बात समझ में आई? यस सर. जी सर. ठीक है, पार्ट बी. इफ प्लस 40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, प्लस
प्लस 40 का मतलब आपने $40 बैंक में रखवाए हैं, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ 35 का मतलब क्या होगा, $35 निकालने का मतलब क्या होगा, आपकी जेब में ₹40 ईडी के पड़े हैं। इसका मतलब 40 प्लस 40 आपकी जेब में इस वक्त पड़ा हो, ठीक है जी सर। अब लेट से आपकी जेब से -35 छोटी बहन ने या छोटे भाई ने छीन लिया आपसे, बड़े भाई ने छीन लिया, उसने ₹35 आपसे ले लिए, तो इसका मतलब आपके पास ₹35 कम होगा जी सर। और कम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कम को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं जी सर। सो कैसे लिखोगे विड्रॉल ऑफ 35 को सर, -35। वेरी गुड अब्दुल्ला अली, समझ में आया बेटा ये पॉइंट? यस सर जी सर। पक्का जी सर, आ गया। वेरी गुड। इफ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, अब -60 का मतलब क्या हुआ, आपकी घड़ी क्लॉकवाइज घूम रही होती है, द निडल ऑफ योर वॉच मूव्स क्लॉकवाइज। तो इफ -60 यस सर दे आर 60 डिग्रीज अहेड, दे हैव कंप्लीटेड द 60 डिग्री। सो प्लस 30 का मतलब क्या होगा, अगर -60 का मतलब वो क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूम रहा है तो प्लस 30 का मतलब क्या होगा, अरे एक और बार बताएं। घड़ी बेटा घड़ी नॉर्मली चलती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलती है घड़ी, देखी है ना जी सर जी, ठीक है सर। हमें समझ नहीं आया बेटा, वॉच है, वॉल क्लॉक दीवार पे घड़ी लगी हुई है जी सर। अब उसको जरा गौर से देखो, उसकी निडल्स किस तरीके से मूव कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर राइट टू लेफ्ट। गलत जवाब, सॉरी सर, लेफ्ट टू राइट। देखो सर। हाँ बेटा बोलो। समझ समझ नहीं आया बेटा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ पहले वो करो फिर समझ में आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे कमरे में कोई वॉल क्लॉक लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है जी सर। यस सर। वॉल क्लॉक की निडल्स को देखो, वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं? सर लेफ्ट टू राइट। जिसने सवाल किया था, जिसकी समझ में नहीं आ रहा था, इस वक्त मैं सिर्फ उससे मुखातिब हूँ बेटा, तुम लोग की समझ में आ गया, जिसकी समझ में नहीं आया पहले उसको समझाने दो। हाँ बेटा जल्दी बोलो सर, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब अगर कोई चीज लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है घड़ी के अंदर, तो वो -60 को रिप्रेजेंट करेगी। यस नो सर। यस सर, भाई सवाल में ये लिखा हुआ है, सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, इफ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, इफ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, ये चीज समझ में आई? यस सर। तो प्लस 30 का मतलब क्या होगा, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी वो सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर -60 क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लस 30 एंटी क्लॉकवाइज को, और कितने एंटी क्लॉकवाइज को, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 30 डिग्री, समझ आई ये चीज? अब सबकी समझ में आ रही है बात? अभी कोई बच्चा ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो अभी भी? नो सर। सर ये पेज बुक में है जी बेटा, ये बिल्कुल बुक में है। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 30, ठीक है। एंड इफ पॉजिटिव 45 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, अगर पॉजिटिव 45 का मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, सो -45 का मतलब क्या होगा, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। इसका मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज नहीं समझ में आई हो? नो सर। पक्की बात? यस सर। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी हो तो ही कैन आस्क मी, और एल्स आई विल लीव द क्लास बिकॉज द टाइम इज ओवर नाउ। सर डी दोबारा, डी का दोबारा एक बार बता दें, डी बेटा टू का डी। अगर तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो ईस्ट का मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। तो पॉजिटिव 45 का मतलब क्या हुआ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर।
माइनस 45 का मतलब क्या होगा, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, माइनस प्लस का अपोजिट होता है ना जी, तो फिर ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो माइनस 45 का मतलब क्या हुआ, 45 की स्पीड पे हम वेस्ट पे जा रहे हैं, वेरी गुड, गॉट इट, समझ आई ये चीज, यस सर, नाउ यू नो व्हाट द पॉइंट इज एग्जैक्टली, ठीक है मेरा बच्चा, ओके सर, ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने अपने कोर्स को ग्रिप कर लिया है, वी आर अप टू डेटेड, वी आर अप टू द मार्क, ठीक है, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल मूव अहेड विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ओके सर, ओके सर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन उससे पहले मुझे होमवर्क कंप्लीट करके दे रहे हो सर, कौन सा एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 भी कब कंप्लीट करके दोगे मुझे, आज तो हम एक्सरसाइज 2 है, वो तो हमारा कंप्लीट है, तुम्हारा कंप्लीट है ना रेहान मेरा बच्चा, बाकियों का थोड़ी कंप्लीट है, अच्छा सर, ठीक है सर, मेरा भी कंप्लीट है, ओके, लेकिन सबका स्टिल इनकंप्लीट है, तो पहले बाकी सारे कंप्लीट कर मुझे कल तक सबमिट करवाएंगे काम, टिल टुमारो इवनिंग 5 ओके सर, कहां पे सबमिट कराऊं, 1B गूगल क्लासरूम में आपने दिए हुए वो, चलो मैं गूगल क्लासरूम पर भी लिख दूंगा, आप मुझे तस्वीर भेज देना सर, ओके सर, ओके सर, ओके मेरा बच्चा, चलिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।